जोधपुर यानी सूर्य नगरी। इस शहर का नाम आते ही जहन में अलग अलग रंग बिखरने लगते हैं। वैसे तो शहर की पहचान महलों और किलों से ज्यादा वाबस्ता रखती है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियां इसे कुछ और दिलकश बनाती हैं। कायलाना झील किनारे एक ऐसी ही पहाड़ी है माचिया, जो मछली सरी की लगती है, इसलिए सब इसे माचिया नाम से पुकारने लगे। और तो और यहाँ बना किला भी माचिया फोर्ट के नाम से मशहूर है, जहाँ एक जमाने में राजाओं के शिकारगाह हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला और साल 2016 में इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिली, जिसे नाम दिया गया माचिया बायोलॉजिकल पार्क। ये पार्क जितना खुश रंग था उतना ही बदरंग इसका सूनापन। तब साल 2013 में जोधपुर के उम्मेद उद्यान के चिड़ियाघर को यहां विस्थापित करने का फैसला लिया गया और ये सुनसान जगह जानवरों से आबाद हो गई। जंगल में जीवन आया तो मानो मंगल आ गया। दूर दूर से लोग यहां घूमने आने लगे। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों माचिया बायोलॉजिकल पार्क इतने कम कालखंड में विख्यात हो गया। आइए आपको भी माचिया की सैर पर ले चलते हैं। माचिया एक शानदार पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। क्या बच्चे क्या बड़े, सबका मन यहां आकर मस्ती में रम जाता है। इस पार्क के नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में आपको मरुभूमि के जानवरों से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। कहते हैं कि जानवरों की कहानियां इंसानों से इतर होती हैं, लेकिन वो इतनी बेहतर होती हैं कि इंसान उनसे काफी कुछ सीख सकता है। बब्बर शेर कैलाश की कहानी सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। किसी प्रजाति का जानवर हो, अपने माँ के अलावा दूसरों को वो टच करना पसंद नहीं करता। उसको दूध पिलाने से पहले हम लोग अपने पास सकते थे, अपना स्मेल देते, अपनी वॉर्म देते थे, कंगारू केयर की तरह हम लोग। फिर उनको आवाज़ होने लगा कि ये जो मेरे साथ हैं, जब तक इनकी आंखें भी नहीं खुली थी, कि वो मेरी पेरेंट्स हैं। और इसीलिए इसे इंसानों से प्यार है। इसका आलम ये है कि आपकी एक आवाज पर कैलाश आपसे मिलने दौड़ा चला आएगा। शायद इसके माँ बाप ने इसे कुछ ऐसी ही सीख दी होगी, जो मानते हैं कि प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले गुस्सा एकदम जायज है। कैलाश का भाई रियाज भी कुछ ऐसी ही सोच रखता है। अब जरा अंबिका और एंथोनी से भी मुलाकात कर लीजिए। कभी कानपुर जू से लाए गए ये बंगाल टाइगर्स आज राजस्थान की आबो हवा के आदि हो चुके हैं, जहां पैंथर सलीम और मदीना की जोड़ी मौज मस्ती में मगन है, तो वहीं ये हिमालयन भालू अकेला ही आनंद में डूबा है। लगता है इन हायना को आपसे शर्म आ रही है। तो वहीं ये वुल्व्स खुलकर दौड़ भाग करने में मशगूल हैं। इन चिंकारा और चीतल को जब आपके आने की खबर लगी तो इनकी खुशी का तो कहना ही क्या। अब इन ब्लैक बक्स को भी निहार लीजिए, जो कब से आपकी राह ताक रही है, और ये जयकाल तो आपका इंतजार करते करते थक ही गए हैं। क्या मगरमच्छ और क्या घड़ियाल, आपको देखकर मानो
इनकी बाँछें ही खिल गई हो। घूमते घूमते आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे ये जानवर आपके स्वागत को बेताब हैं। इस तरह इन दिलकश रास्तों से गुजरते हुए आप ऑर्क्यूपाइन, स्लॉथ बियर, मंकी, एमू, अजगर और बिज्जू समेत कई सारे जानवरों से मुलाकात कर सकेंगे। इस पार्क की खूबसूरती इसकी वनस्पति से और खूबसूरत हो जाती है। घुमावदार और पथरीले रास्तों में फैली हरियाली आपको अपना मुरीद बना लेगी। माचिया की जो रॉक है बड़ी हार्ड रॉक है और जैसा टेक्नोलॉजी इसराइल में कभी यूज हुआ था, डबल ब्लास्टिंग टेक्निक से उसमें हमने उनको खड्डों को खोदा। बरगद, पीपल और गूलर, इन तीन स्पीसीज के पौधों को हमने इम्पोर्टेंस दी, उनको बहुतायत से लगाया। ये अप्रिशिएट करना चाहिए, सो मच ऑफ ग्रीनरी एंड ऑल, इन स्पाइट ऑफ दिस हीट दे मैनेज टू मेंटेन इट, इट्स ब्यूटीफुल। इन पेड़ों की वजह से ही यहाँ का तापमान शहर के बनिस्पत काफी सुकून भरा रहता है, जिससे वन्य जीवों और यहाँ घूमने आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलती है। ये पार्क कुछ ही सालों में बर्ड्स के लिए ओपन एवियरी के रूप में भी तेजी से विकसित हुआ है। 2011 में जो पक्षी विशेषज्ञ यहाँ आते थे उन्होंने ये बताया था कि यहाँ कुल 4 तरह के पक्षी आते हैं, और अब ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये होने के बाद में ये 148 पक्षी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। माचिया की जो पेरिफेरी है यहाँ पे हमें काफ़ी बर्ड्स अवेलेबल मिल जाती हैं, ताकि इनको हैबिटेट अच्छा मिला हुआ है यहाँ पर। जंगल, जीवन और पर्यटन, माचिया बायोलॉजिकल पार्क में खूबसूरती का कोई छोर नहीं है। यही वो तमाम वजहें हैं जो इस जंगल में भी मंगल का एहसास कराती हैं। इस खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए आप भी जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में जरूर आइए।